मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट ब्रदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 15 जनवरी हो चुकी है, लगभग आधा जनवरी निकल चुका है। पहाड़ों पर स्नोफॉल अभी तक भारी नहीं हुआ है, इंतजार लगातार बना हुआ है। इस बार जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक्सटेंडेड विंटर दिखाई दे रही है, यानी कि सर्दी थोड़ा सा लंबा खींच सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी नहीं रहेगी आगे, अगले आप कह सकते हैं कि एक हफ्ते के बाद जो तापमान है थोड़ा सा बढ़ने लगेंगे, लेकिन जो सर्दी है वो रुक रुक करके आती रहेगी। जैसे होता है कि ऐसा लगता है कि सर्दी गई, थोड़ा सा गर्म होने लग जाता है मौसम, उसके बाद फिर से ठंड बढ़ जाती है। वो ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। अगर हम देखें तो जैसे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और जब ये यहाँ पर पहुंचेगा, यानी कि 16 तारीख के आसपास ये आज ये 24 घंटे बाद जब यहाँ पर आ जाएगा, तो जो हवाएं अभी ये आ रही हैं तो ये थोड़ा सा टर्न हो जाएंगी, इस तरह से घूमना शुरू हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो रात के तापमान है थोड़े से बढ़ जाएंगे, और इसी तरह से क्या होगा कि ऐसा लग रहा है कि दिसंबर के बाद यानी जनवरी के आखिर में और फरवरी में भी एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ से इस तरह से मूव करते रहेंगे। और वो जैसे आपको मालूम है मेडिटेरेनियन सी से लगातार आते हैं, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे तो हवाएं चेंज होंगी, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाएगा आगे चला जाएगा तो फिर से हवाएं चेंज होंगी और फिर ये उत्तरी जो इस समय चल रही है इस तरह से हवाएं आएंगी। तो क्या होगा कि ये सीसो टेम्परेचर, कभी कम कभी ज्यादा, ये अभी होने की उम्मीद हमें फरवरी के आखिर तक दिखाई दे रही है। तो इस तरह का मौसम अभी रहने वाला है, और पश्चिमी विक्षोभ का उम्मीद यह है कि अभी तक जो नहीं आए हैं वो जनवरी के आखिर में और फरवरी में जरूर आएंगे और अच्छा स्नोफॉल देंगे। इस बार जो भी ट्रैक है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का वो ऊपर की तरफ है, और निचले इलाकों में बहुत ज्यादा स्ट्रांग पश्चिमी विक्षोभ नहीं आए हैं, इसलिए बर्फबारी नहीं हो पाई है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड विंटर हो सकती है। और अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में आप देख रहे हैं कि सुबह के समय जो है घना कोहरा छाया हुआ है, और यहां से अगर हम देखें तो ये पूरा उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सारे इलाकों में घने कोहरे की चादर सुबह के समय रहती है। और जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर आता है, तो उस समय क्या है कि ये कोहरा थोड़ा सा छटना लग जाता है और धूप निकलने लगती है, लेकिन सब जगह पर तेज धूप नहीं है। कभी तेज धूप निकलती है, उसके बाद अगले दिन फिर कोहरा हो जाता है, तो फिर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ते हैं, उसके बाद फिर 15-16 डिग्री के आसपास, 13-14 डिग्री के आसपास उत्तर भारत में बने हुए हैं। तो कोल्ड डे कंडीशन भी बनी हुई है, और जो मिनिमम टेम्परेचर उत्तरी हवा के कारण गिर रहे हैं उसके कारण कोल्ड वेव कंडीशन भी बनी हुई है, पाला भी कई इलाकों में गिर रहा है। तो अभी इस मौसम में अगले 2-3 दिनों के दौरान बहुत ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि ये सुबह के समय कोहरा रहेगा, रात के समय फिर से कोहरा हो जाएगा, दिन में थोड़ी धूप निकलेगी, तापमान नीचे रहेंगे, और सुबह के समय जो रात के समय और सुबह के समय जो खेत खलिहान है और जो खुले इलाके हैं वहां पर पाला गिरेगा, खास करके राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ इलाकों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और इस तरह का वेदर अभी रहने वाला है। मौसमी गतिविधि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ये पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, यहाँ पर मौसमी गतिविधि हमें दिखाई अभी फिलहाल नहीं दे रही है। और पहाड़ों पर ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है कल रात से आएगा, तो 16 तारीख की रात से लेकर के 18 तारीख तक हल्का फुल्का स्नोफॉल पहाड़ों पर रहेगा, एक दो मॉडरेट स्पेल भी हो सकते हैं, यानी कि बर्फबारी लगातार हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन भारी जो स्नोफॉल होना चाहिए जैसे कि पूरा पहाड़ बर्फ की चादर से ढक जाता है, वो अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह का वेदर रहने वाला है। और अगर हम पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और ये मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन इलाकों में मौसम बदलने वाला है, और उसका कारण ये रहेगा। अभी आप देखिए जो ट्रफ इस तरह से जा रही है, ये 16 तारीख से अगर देखें तो 16 तारीख से इस तरह सा कुछ बन जाएगा, यानी कि एक ट्रफ इस तरह से आएगी। आप देखिए ये हवाएं आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक तरह से शुष्क हवाएं आएंगी, ये जो आ रही है ये आ रही है शुष्क हवा, और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से ये नमी वाली आ रही हवा, तो ये ट्रफ थोड़ा सा नीचे आएगी, और ये कन्फ्लुएंस जोन यहाँ पर जो बनने वाली है उसके प्रभाव से क्या होगा कि ये जो इलाका है यहाँ पर बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर इसको मैप से हम देखते हैं तो ये हम देखते हैं मौसम विभाग का मैप है, ये 16 की रात से लेकर के 17 तारीख का है। इसमें आप देखिए झारखंड में दुमका वगैरह और धनबाद वगैरह यहाँ पर मौसमी गतिविधि थोड़ी शुरू हो जाएगी। गंगे पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर, कोंटई, शांति निकेतन, पुरलिया, बांकुरा, 24 परगना, इन इलाकों में बारिश की संभावना है। और जो
उत्तरी उड़ीसा है, उड़ीसा में छुटपुट बारिश होगी। छत्तीसगढ़ और जो मांडला वगैरह जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी कुछ मौसमी गतिविधि हो सकती है। और थोड़ा सा और आगे जाएंगे, अगर हम अगले दिन जाएंगे तो आप देखिए कि गंगे पश्चिम बंगाल में बढ़ गई है, झारखंड में दक्षिणी इलाकों में है, उड़ीसा में बढ़ गई है, छत्तीसगढ़ के और जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में यहाँ पर ये 17-18 तारीख को बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दिखाई दे रही है, 17 तारीख के आसपास की बात है। उसके बाद फिर से मौसम थोड़ा सा साफ होने लग जाएगा। तो इस तरह का मौसम ये है आपका 16 तारीख से ओडिशा के कुछ इलाकों में होगी, 17 और 18 तारीख को इन सारे इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। और वो कारण यही है, ये जो कन्फ्लुएंस जोन बन रही है यानी कि सूखी हवा और ये नमी वाली हवा यहाँ पर मिलेंगी और इसके प्रभाव से ये मौसमी गतिविधि यहाँ पर हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी बारिश की गतिविधियां नहीं होने वाली हैं, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ से हवा मुड़ रही है, यहाँ पर आकर के ये नमी यहाँ पर छोड़ देगी। और यहाँ पर ये जो अगर उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर अभी भी जो हवाएं हैं वो सूखी हवाएं हैं, यानी कि नमी वाली हवाएं नहीं आएंगी और यहाँ से ये इस तरह से हवा आ रही है। अगर हवा यहाँ से ये पूरा यहाँ पर टर्न हो जाती, ये यानी कि बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर राज्यों में हवा जा रही होती, यानी नमी वाली हवाएं जा रही होती, तो जाकर यहाँ पर मौसमी गतिविधियां हो जाती, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर बाकी इलाकों की बात करें तो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके सूखे रहने वाले हैं। साउथ छत्तीसगढ़, साउथ उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, यहाँ पर अभी फिलहाल बारिश की गतिविधियां नहीं है। और ये 18-19 तारीख के बाद हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां, जो पैची रेन होती है, वो शुरू यहाँ पर हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। लक्षद्वीप भी मौसम साफ रहेगा, यानी कि ये दोनों जो डेस्टिनेशन है वहां पर आप जा सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बहुत सुंदर जगह है, लक्षद्वीप बहुत सुंदर जगह है, हमारे प्रधानमंत्री ने भी बताया है, आपको मालूम है, तो मतलब वैसे तो सब जानते हैं, तो यहाँ पर एक्सप्लोर आप कर सकते हैं, जा सकते हैं। बहुत अच्छा मौसम है इस समय, क्योंकि जो सर्दियां हैं इस समय माइल्ड समर होती है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है, जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, यानी अप्रैल मई में काफी गर्मी हो जाती है, तो ये सारा इलाका भी साफ रहने वाला है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीपों में बारिश की गतिविधियां अभी होने की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।